नमस्कार। हम सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं और स्वस्थ रहने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं और हम सभी को मालूम है कि हमें समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, ठीक समय पर खाना खा लेना चाहिए। खाना हमारा जितना सिंपल होगा उतना अच्छा है और हमें वर्कआउट भी करना चाहिए, ये भी हमें मालूम है और बहुत से लोग करते भी हैं, लेकिन क्या इसके बावजूद पूरी तरह से स्वस्थ हैं? शायद नहीं, क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों के को इस बारे में जानकारी नहीं है कि पानी भी हमारे शरीर की एक ज़रूरत है और हमें कब और कितना पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं जल के बारे में जानकारी दूंगी कि जल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कब और कैसे पीना चाहिए। देखिए, हमारे दिन की शुरुआत पानी से ही करनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपनी उम्र और शरीर की क्षमता के अनुसार 2 से 4 गिलास पानी, गुनगुना पानी पीना चाहिए और बिल्कुल बासी हो। बच्चों को भी पीना चाहिए, बड़ों को भी। और अब हमें कितना पीना चाहिए ये हमारे काम के हिसाब से है। अगर हम घर के अंदर रह करके बिल्कुल एसी में बैठे हैं तो हमारे पसीना नहीं आने से पानी की ज़रूरत थोड़ी कम होगी, लेकिन अगर हम खुले में काम कर रहे हैं और हमें बहुत पसीना आ रहा है, मेहनत वाला काम है, तो हमें पानी की ज़रूरत ज़्यादा होगी। यानी 3 से 4 लीटर पानी हमें पीना चाहिए। बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बच्चे भी भाग दौड़ करते हैं, उन्हें भी पसीना आता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अब ये तो बता दिया, अब हमें हम क्या गलती करते हैं, अधिकतर लोग पानी एक सांस में पी जाते हैं। प्यास लगी, बॉटल उठाई और खटाखट पी लिया। आपने जानवरों को देखा है, पशु से पक्षी तक सब एक एक सिप करके पानी पीते हैं, एकदम झटके से सारा पानी नहीं पीते हैं, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि स्वस्थ रहने के लिए पानी का एक एक घूंट पीना जरूरी है। हम एक घूंट पीते हैं पानी के संग, हमारे मुंह की लार भी जाती है और वो डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। तो पानी हमें सिप करके पीना चाहिए, एक तो ये बात। दूसरा, हमें जो पानी है भोजन के साथ नहीं लेना है। भोजन के साथ लेने से जब हम भोजन करते हैं तो हमारे शरीर में कुछ रस सीक्रेट होते हैं, हमारी बॉडी ऑर्गेन, डाइजेशन सिस्टम के ऑर्गेन कुछ जूस सीक्रेट करते हैं, एंजाइम सीक्रेट करते हैं। तो उस अगर जूस के अंदर या एंजाइम के अंदर वो पानी मिलेगा तो वो डाइल्यूट होने से पूरा काम सही ढंग से नहीं करेगा, जिससे भोजन हमारे पेट में पड़ा हुआ सड़ेगा, जो गैस या एसिडिटी या कब्ज का कारण बनेगा। तो हमें भोजन के साथ क्या लेना चाहिए, छाछ या फिर सूप, ऐसी चीज़ लेनी चाहिए भोजन के साथ, ताकि उस भोजन को मतलब जो जूस से जो एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं वो डिस्टर्ब नहीं हो, अपना काम प्रॉपर करें। और दूसरा, पानी बहुत ठंडा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि ठंडा पानी जब हम पीते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर एक निश्चित तापमान पे रहता है, यानी गर्म है, और उस गर्म शरीर के अंदर अगर हम ठंडा पानी डालेंगे तो पेट को उसको पानी को गर्म करने में अपनी एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और दूसरा, जब वो पानी अंदर जाएगा तो पाचन अग्नि को शांत कर देगा, तो हमें ठंडा पानी नहीं बल्कि रूम टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। भोजन के साथ पानी नहीं पीना है, जब भी पानी पीना है रूम टेम्परेचर का हो। भोजन के एक अगर आपको लगता है कि हम बिना भोजन के साथ पानी पीना जरूरी, तो मैंने कहा आप सूप छाछ पी लीजिए, सूप पी लीजिए। हाँ, भोजन के आप 40 मिनट पहले पानी पी सकते हैं और भोजन के 1 घंटे के बाद भी पानी पी सकते हैं, लेकिन जैसा बोला रूम टेम्परेचर का। ये तो पानी का खास एकदम नियम है कि आपको पानी ऐसे ही पीना है, और पानी 3 से 4 लीटर पीना ही है आपको, सिप करके पीना है, एक सांस में नहीं पीना है और बहुत ठंडा जल नहीं पीना है,
क्योंकि ये जितनी चीज़ें मैंने बता रही हूँ ये आपके डाइजेशन को सभी चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। आप चाहते हैं कि आपको ये सब दिक्कतें नहीं आए, क्योंकि जब भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं होगा तो हमारे शरीर को सही ढंग से पोषण नहीं मिलेगा, धीरे धीरे शरीर कमज़ोर हो जाएगा और अन्य रोगों को मतलब अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, हम बहुत सारे रोगों से घिर जाएंगे। जैसे मैंने बोला जॉइंट्स पेन है, एसिडिटी है, गैस का बनना है, ऐसी बहुत सी दिक्कतें हो जाएंगी। और जब शरीर कमज़ोर होगा तो शरीर के और ऑर्गन पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। तो जैसा मैंने बताया कि आपको पानी के ये नियम अपनाने पड़ेंगे, सुबह उठ के पीना है, उसके बाद आप चाहे पानी के रूप में आप लिक्विड डाइट भी ले सकते हैं, जूस भी उसी में ही उसी गिनती में आएगा। अगर आप जूस ले रहे हैं, छाछ ले रहे हैं या सूप ले रहे हैं तो आप उसी के अंदर मतलब 3 से 4 लीटर के अंदर पानी इतना। और रात में सोते समय आप अगर आपको दूध मना है तो आप सूप पी सकते हैं, लेकिन वो भी 1 घंटे पहले। और भोजन के कम से कम आधे घंटे बाद, और भोजन भी आपको समय पर करना है। इतनी चीज़ों का पालन करेंगे और वर्कआउट यानी योगासन को अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से हेल्दी रहेंगे। आज की वीडियो में मेरा मेन उद्देश्य पानी के बारे में जानकारी देना था, क्योंकि मैं देखती हूँ अधिकतर लोग पानी बहुत तेज़ी से पी जाते हैं, एकदम चिल्ड वाटर पीते हैं, तो ठंडा पानी तो हमारे पेट के लिए नुकसानदायक है। हर मौसम में आपके बॉडी के टेम्परेचर के अनुकूल ही पानी पीना है। तो मेरे आज के वीडियो में बताई हुई जानकारी के हिसाब से अगर आप करते हैं तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। आप और लोगों को शेयर भी करेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। तो नमस्कार, धन्यवाद।